ये दूल्हा भैया दहेज में कार मंग रहा है, ये इंदौर के बारात है। क्या नाम है दूल्हे का? जय श्रीवास। जय श्रीवास। पिता का नाम? क्या नाम है? नहीं तो आप बताओ ना। राकेश श्रीवास। तो ऐसे मंग रहे भैया दहेज में ये बाराती होने का कार? कार एन टाइम पे लगन के बाद कौन सी गाड़ी? R15। हाँ मेरी बात सुनो, कसम खाने को तैयार। एक गाँव वाले जहाँ पे उन्होंने वस्तु रखने का बोला, वस्तु भी रखी। एक पूरा सब होने के बाद ही एक रीति रहती है कि कुलदेवी के सामने दीपक की दोनों ज्योत मिलाई जाती है, तो वहाँ पर कुछ नेका रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर डिमांड रखी कि बोले हमें फोल विदा चाहिए। कल वो संपूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ। वो जो उनकी मांगे थी हम पूर्ति करते भी जा रहे थे। पूरी विवाह होने के बाद में बत्ती मिलाई के समय हम गए, उसके बाद में वो कार्यक्रम भी हमारा ठीक ठाक चल ही रहा था। फिर मैंने उसे समझाया, मैं वहीं पे मौजूद थी। मैंने उसे बोला कि बेटा इस तरह से मिलाना है, ये करना है। तो बोलता है कि ठीक है मिला तो दूंगा, लेकिन कुछ उसका लगता है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है बेटा मैं दूंगी। तो बोले क्या दोगे आप? मैंने कहा तू जो बोलेगा बेटा मैं वो दूंगी। तो बोले कि मुझे तो गाड़ी चाहिए। तो मेरे समझ में वो जो भी नाम दे रहा था मैं कंफ्यूज थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं मेरे भतीजे को बुलाती हूँ। मेरा भतीजा आया, मैंने कहा बेटा ये क्या मांग रहे? बोले मौसी ये तो गाड़ी मांग रहे आप। तो मैंने बोला कि बेटा मजाक मस्ती छोड़ो, मैंने बोला हम अभी ये नहीं अरेंज कर पाएंगे। जो आपने मांगा हमने आपको सब कुछ दिया है, अभी मेरे जजी नहीं कर पाएंगे ये, तो आगे की बात करो। तो वो पैसे फेंकने लगे, जो मैंने एक के पैसे दिए उसने 2 से 4 बार नेक के पैसे फेंकते रहे। उसके बाद में हमने समझाने की बहुत कोशिश करी उनको, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। और मेरी बेटी को धमकी देने लगे कि अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं तुमको घर जाके बताऊंगा। तो फिर विवाद होते गए, और फिर उनको समझाने के बाद में भी वो बारात लेके चले गए। आप क्या कार्रवाई की मांग थी? अब मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मेरी बेटी को मिलना चाहिए। जो इसके साथ हुआ है वो अब किसी के साथ होना नहीं चाहिए, और उसके साथ में ऐसा करना चाहिए कि वो अब सपने में सोच भी नहीं सके बस। और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे जियाजी की इज्जत के साथ खेल गए। ये मामला है हमारे यहाँ का, हमारी भतीजी है, उनको इनका संबंध करा था मालवीय नगर में। मालवीय नगर के परिवार में संबंध करा, 2 वर्ष पूर्व वहाँ पर शादी करी थी मालवीय नगर इंदौर में। 4 तारीख को बारात आई, तो जब द्वारे के 4 हुए और उसके बाद में उनकी पूरी हमने सभी चीज़ें व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से करी। अच्छे तरीके से करने के बाद में पूरी रस्में भी निभाई, जहाँ जहाँ उन्होंने नेक का बोला वहाँ पैसा भी दिया, जहाँ जिस चीज़ की वस्तु की उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने खाने पीने की जो डिमांड करी हमने पूरी पूरी करी। जब पूरे लगन हो गए, सब कुछ होने के बाद में जब कुलदेवी के सामने एक रस्म रहती है कि दीपक की बत्ती मिलाई जाती है, और वहाँ पे बताया जाता है कि आज से ये दोनों पति पत्नी एक हो गए, तो वहाँ पर नेक लगता है दूल्हे का। अब ऐसा बताया उन्होंने वहाँ पे, उनने बोला बोले 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। अब 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए और 2 व्हीलर भी चाहिए, तो हमने बोला कि हम एकदम से इमरजेंसी में इतनी व्यवस्थाएँ नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास करा, पूरे परिवार ने प्रयास करा, गांव के वरिष्ठ लोगों को भी हमने सुबह मतलब ऐसी बहस चलते चलते 4 बजे से 6 बजे गए। 6 बजे भी गांव के सभी वरिष्ठ लोगों को हमने बुलाया, उनसे बड़ी गांव के वरिष्ठ लोगों ने बड़ी मिन्नतें करी कि भैया 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप इससे कम में खुद से वो कर लो। नेक के पैसे में भी उनको 11,000 रुपये से लगाकर 51,000 रुपये तक के उनके हाथ में रखे, उन्होंने जितनी बार उनके हाथ में पैसे रखे उतनी बार उन्होंने फेंक दिए। गांव वालों ने भी बड़ी मिन्नत करी, तो उन्होंने इस बात को सुना नहीं और बिगर लड़की को ले जाए बारात वापस लेके वो चले गए हैं, और इसीलिए हम यहां थाने पे आए हैं FIR दर्ज करने के लिए। आपने FIR दर्ज करवा देंगे तो आगे क्या मांग? हमारी ऐसी मांग है सभी समाज जन से कि ऐसे जो दहेज के लालची हैं इनका समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए, और जहाँ पर भी ये अगर संबंध इनके होते हैं तो वहाँ पर इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे जो दहेज के लालची हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति की गृहस्थी और किसी भी लोगों की इज्जत का ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज जो हमारे ऊपर जो पीड़ा बीत रही है, जो हमारे मानहानि हुई है, जो हमारा पूरा मतलब पूरा परिवार इस प्रकार से इस दर्द से गुजर रहा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। ऐसे दहेज के लालचियों का पूर्ण तरीके से